नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एनडीए में पहली बार टूट हुई है, पहला झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जी हां, हरियाणा में एनडीए की तरफ एक झटका बिश्नोई ने दिया, जहां पर हजका एनडीए से अलग हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस टूट के पीछे कौन है। लगातार अमित शाह की तरफ से इस बात के इशारे किए जा रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी अकेली चुनाव लड़ने वाली है, तो सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ गठबंधन की सरकारों से अलग जाना चाहते हैं, और क्या अब बीजेपी के अंदर इतना उत्साह आ गया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर भी शिवसेना और बीजेपी के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचम तान नजर आ रही है। लेकिन क्या ये इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अपना जानाधार लोकसभा चुनाव की तरह बचाने में कामयाब हो पाएगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। मोदी सरकार बनने के बाद एनडीए को पहला झटका। हरियाणा में चुनावों से पहले क्यों टूटा एनडीए? बिश्नोई ने भाजपा को बताया धोखेबाज। हरियाणा में करीब 3 साल की दोस्ती के बाद बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा मिलने का समय नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने चंडीगढ़ में भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और हजका का 3 वर्षों से गठबंधन था, लेकिन अब उन्हें बीजेपी ने धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताया और कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही दोनों दलों की दोस्ती पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, और बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी चाह रही थी कि हजका गठबंधन की पुरानी शर्तों में बदलाव करे, और वहीं शाह से एक मुलाकात के बाद कुलदीप इन शर्तों में बदलाव को राजी भी हो गए थे। लेकिन कई दिन तक इंतजार के बावजूद कुलदीप की शाह से मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे कार्यकर्ता नेताओं की मांग थी कि कांग्रेस को और लोकदल को राजनीति से बाहर करने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया। और जब गठबंधन की चर्चा हमारी हुई तो उस वक्त साफ तौर पर सभी नेताओं की एकमत राय ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास धोखा देने का इतिहास रहा है। और वहीं पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हजका के साथ गठबंधन तोड़ने का मन पहले ही बना लिया था। इसके लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाया गया और विधायक दल के नेता अनिल विज को आगे कर गठबंधन पर बयानबाजी शुरू कराई गई। हालात तब अधिक बिगड़े जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद कुलदीप बिश्नोई को लंगड़ा घोड़ा तक बोला गया। हजका बीजेपी गठबंधन 3 साल पहले हुआ था और कुछ समय से दोनों दलों के बीच विवाद चल रहा था। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला करते हुए हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भगवा दल ने उनकी पार्टी के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व नेता विनोद शर्मा की जन चेतना पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। आज हमारी मुलाकात होने के बाद हमारी दोनों पार्टियों ने यह फैसला किया कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, हमारा अलायंस रहेगा, और मॉडेलिटीज क्या रहेंगे वो आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। और मैं समझता हूं ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है हमारा, जो एंटी करप्ट लोगों के, एंटी गुंडा तत्व लोगों के और एंटी धोखेबाज लोगों के हमने एक ईमानदार अलायंस किया है, और मैं समझता हूं जनता हमें अवश्य आशीर्वाद। मैं समझता हूं और मानता हूं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे मुख्यमंत्री से हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हरियाणा में अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं बिश्नोई ने कहा कि हमने गठबंधन को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की, पर बीजेपी गठबंधन के सिद्धांतों पर कायम रहने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 सालों से वो पूरे दिल से बीजेपी के साथ सहयोग करते रहे और अंत में हम ही छले गए। तो वहीं बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि ये पार्टी लोकसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, अब विधानसभा चुनावों में भी प्रदेश की जनता उसे अच्छा सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि हजका ने लोकसभा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर हार गए, जबकि भाजपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की।
विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच मतभेद होने के कारण उनके संबंध तनावपूर्ण रहे थे। बिश्नोई 90 में से 45 सीटें मांगते हुए कह रहे थे कि उन्हें गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। भाजपा दोनों ही मांगों को खारिज करती रही है। ये दुखद है, हम चाहते थे कि गठबंधन बना रहता और हम गठबंधन के पक्ष में थे और आज भी पक्ष में थे। कल भी मेरी इनके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन चौधरी धर्मपाल जी से बात हुई, पीछे भी वो आए थे, मैंने उनसे चर्चा की और मैं चाहता, हमारी पार्टी चाहती थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट पब्लिक रैली में कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप, जमीनी हकीकत के अनुरूप गठबंधन रहे। ये हम दोनों के पक्ष में है, हरियाणा के पक्ष में, हरियाणा की जनता के पक्ष में है, लेकिन शायद कुलदीप अपनी जिद पर अड़े रहे, अपनी ईगो पर अड़े रहे। उनको लगता था कि इस गठबंधन के नेता के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाए, मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाए, 45 सीट उनको दिया जाए, जो व्यावहारिक नहीं थी। ये वो भी समझते, जनता भी समझती है और जनता इसका फैसला करेगी। वहीं पर कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के किसी दूसरे दल के साथ हाथ मिला सकती है। वहीं पर बीजेपी प्रमुख अमित शाह ने आज का बीजेपी गठबंधन पर कुछ भी नहीं बोला है। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि आखिर बीजेपी और हजकां के बीच में जो गठबंधन टूटा है वो क्यों टूटा है और क्या इसे शुरुआत मान लिया जाए? अब अगली बारी क्या महाराष्ट्र की हो सकती है? शिवसेना और साथ ही साथ बीजेपी के बीच जो एनडीए का गठबंधन है उसके क्या भविष्य में देखा जाए? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आलोक शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और अशोक चौहान जी हैं बीजेपी की तरफ से। अशोक जी, पहले आप ही के पास आता हूं, आखिर क्यों टूटा है गठबंधन, कमी कहां रह गई? देखिए, अनिल जैन जी का भी बयान आ रहा था और ये वहां के प्रभारी भी हैं और उन्होंने कहा कि जो उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं चौधरी साहब, वो आके मिले भी थे। कुल मिलाकर लोकसभा में जो नतीजे आए और वो नतीजे का कारण ये रहा कि हम लोग 9 पे लड़े, 7 जीते और 2 पे वो लड़े, दोनों हार गए। ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं रहता है संगठन में कि भाई इसे कोई वास्तव में तो यही कहा गठबंधन रखा जाए या तोड़ा जाए, ऐसा मत नहीं है। 2 सीटें दी थी उसमें से वो लोग हार गए, इसलिए जो जनता की जो नब्ज है वो पहचानने में कामयाब नहीं रहे, कहा तो यही गया। नहीं नहीं, लेकिन उनका ये भी महत्वाकांक्षा था कि हम उनको पहले मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करें, हम उनको 45 सीटें दें, तो ये संभव नहीं होता। जब गठबंधन की बातें होती है, जब दोनों नेता बैठते हैं तब चर्चाएं होती है और उसमें जो निष्कर्ष निकलता है तब उसको फाइनल माना जाता है। अब कुलदीप बिश्नोई जी ने उससे पहले अपना फाइनल रिजल्ट सुना दिया है, तो ये उनके विवेक पे है, उनके व्यवहार पे है। नहीं, उनके आगामी आप पे ये आरोप लगाया गया है कि आप लोग पहले ही इस तरीके की मानसिकता बना चुके थे कि हमें हजकां के साथ नहीं जाना है, जिस तरीके के इशारे किए जा रहे थे, रैलियां की जा रही थी, आप लोग बिश्नोई को आमंत्रित नहीं करते हैं, तो जाहिर है गठबंधन की सरकार आपकी, गठबंधन आपका वहां पर चल रहा है और अगर आप वहां किसी पार्टी के मुखिया को नहीं बुलाते हैं तो क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, लोकसभा चुनाव में माननीय राजनाथ सिंह जी भी वहां गए थे, मोदी जी भी गए थे और उस मंच पे बिश्नोई जी थे और दोनों मिलकर चुनाव लड़े हैं। आज अभी तो कोई गठबंधन भी नहीं हुआ था, अभी तो गठबंधन की प्रक्रियाएं चल रही थी और अभी तो इसके परिणाम निकलने थे। नहीं, गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा ना, आप 10 सीटों में से 8 सीटें आपने रखी, 2 सीटें आपने उनको दी, तो विधानसभा के लिए सीटों का बंटवारा था मेन लिया कर, और उनकी तरफ से कहा गया है कि आप लोग पहले उन्हें आश्वासन दे चुके हैं इस बात का कि ठीक है, अब लोकसभा चुनाव के अंदर जो आपको परिस्थितियां पूरी तरीके से साफ नहीं थी, आपको लग रहा था कि आपकी पार्टी का शायद वो जनाधार ना हो, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था उसके लिए आप हजकां के साथ गए, अब आपको लगता है क्वेश्चन मार्क हट गया है तो आप हजकां को साइड कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, हमने कहा साइड किया, साइड तो उन्होंने किया बीजेपी को, गठबंधन तोड़ के वो गए हैं और धोखा देने के भी आरोप हम पे लगा रहे हैं। अभी जब सीटों की बैठ के बात होती है, बातचीत होती है, अभी तो डेट भी निश्चित नहीं हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से कि कौन सी तारीख को चुनाव होना है, कौन सी तारीख को नहीं होना है। अभी तो इतनी जल्दीबाजी, उन्होंने पहले से अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और उनका मन में था कि भाई हम प्रेशर की राजनीति करेंगे और प्रेशर पर नहीं मानते हैं तो अपना गठबंधन करेंगे। दरअसल उनकी मानसिकता पहले से कांग्रेस की रही है और उनका पृष्ठभूमि भी कांग्रेस का रहा है और एक कांग्रेस के पूर्व नेता, उनसे पहले बातचीत चल रही थी, जो आजकल उन्होंने नई पार्टी बनाई है, इसका गठबंधन बनाने का उनका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार हो गया था। तो अब उनके पास कहने के लिए, हरियाणा की जनता के पास कुछ भी नहीं था कि भाई हम, बीजेपी ने हमको ये किया या हमने वो किया, इसलिए इन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाना शुरू किया। कांग्रेस को फिर इसमें चिन्हित क्यों किया जा रहा है? दो पार्टियों का गठबंधन और आपकी पार्टी पर यहां पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो हैं बैक साइड में रहकर, यानी पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। देखिए, जिस तरह का आरोप जो है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है।
भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर जिन भी राज्यों में इनकी कमजोर स्थिति रहती है, अगर पुराना इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो उन्होंने इसी तरह से क्षेत्रीय दलों का उपयोग किया है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और बाद में उन क्षेत्रीय दलों को इसी तरह से नकार दिया गया है। उनको दो चार प्रदेश का नाम बता दीजिए। मैं हरियाणा का ही उदाहरण दे देता हूँ। अभी आपने हरियाणा में कहा कि 9 सीटों पर उन्होंने, मैं पहले तो आपको यही करेक्ट कर दूं कि हरियाणा में कुल जो है वो 10 सीटें हैं लोकसभा की, 8 पर आपने अभी 9 और 2 11 कर दी थी। मैं बता देना चाहता हूं। दूसरी चीज यह है कि आप लोगों ने जो चुनाव भी लड़ा था, पिछला 2 सीटें जो आपने दी थी वो दोनों ही ऐसी सीटें दी थी जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत अच्छा प्रभाव था, सिरसा और हिसार की। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही चाल चल के और तमाम वर्कर्स ने मिलकर, हमारे पास जो खबर है कि जो हज का है उसको हरवाया जाए, पहले से ही उसकी कमर तोड़ दी गई थी। दूसरी चीज आप देखिए कि 1996 में हरियाणा विकास पार्टी जो बंसीलाल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी का उसके साथ गठबंधन था, उसमें इन्होंने 11 सीटें लेकर सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में हरियाणा में 90 में से 11 सीटें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद इनका वहां से गठबंधन टूट गया, इन्होंने 11 MLA लेकर अपना ऐसा प्रस्तुत किया कि हम बहुत कुछ पा चुके हैं। उसके बाद 1999 में इनका गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल से रहा, गठबंधन के बावजूद मात्र 6 सीटें मिली। उसके बाद जब अगला चुनाव आता है 2004 का, तो उसमें ये इनका गठबंधन दोनों ही पार्टियों से टूट जाता है। उसके बाद 2009 में फिर किसी भी पार्टी से इनका गठबंधन नहीं हो पाता है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में आते हैं, हजका को इनका हजका का साथ इनको मिलता है, हजका को यूज किया जाता है, और लोकसभा के चुनाव के यूज करने के बाद हजका को भी फेंक दिया जाता है। तो भाजपा के जो मेरे साथी जानना चाह रहे थे कौन से राज्यों में हुआ है, इसी तरह का प्रयोग बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसी तरह का प्रयोग झारखंड में हुआ है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं रहती है, आलोक जी बड़े वहीं पर है। नहीं, इतिहास की बात नहीं, आपने प्रश्न पूछा, मैंने आपका उत्तर दिया। पहले एक मिनट सुन लीजिए। आप जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना से पहले से भारतीय जनता पार्टी है। ये झारखंड प्रदेश की बात करने से नहीं पार्टी के स्थापना, मैं उपयोग की बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए पहले। जी जी, झारखंड प्रदेश की बात नहीं, नहीं आप सुन लीजिए पहले। आप डिबेट नहीं करें। अरे आप डिबेट कर रहे हैं, मैं डिबेट पर जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं नहीं, आपने झारखंड की बात कही ना, झारखंड ज्यादा तेज बोल सकता हूँ मैं आपसे, ज्यादा तथ्यों के साथ तेज बोल रहा हूँ। बोलिए, अगर जितना डिबेट बोल रहा हूँ तथ्यों पर लेके आइए। नहीं, मैं तथ्यों पर ला रहा हूँ ना, तथ्यों पर। अरे आपने इतिहास बताया, आपको इतिहास सुनने में क्या दिक्कत है? मैं बीच में नहीं बोला। नहीं नहीं, आपको सुनने में क्या दिक्कत है? आप सुनने में दिक्कत है मुझे? मैं डिबेट आप झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश में सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी हम रहे हैं, और आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हमने वहां किसी का उपयोग नहीं किया, और हमने के नहीं रहे। आपका इतिहास धोखे का रहा है। धोखे का इतिहास तो कांग्रेस से रहा है, एक राज्य में नहीं, पूरे देश के साथ रहा है। कांग्रेस के ऊपर चर्चा नहीं है। नहीं है चर्चा, जिस आज के ऊपर आप चर्चा पर रही है, प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उस हरियाणा प्रदेश में आपके तख्ता खत्म होने वाला है, आपकी राजसत्ता खत्म होने वाली है। कभी आप आपके लोग ही, आपके पार्टी से लोग ही अलग जाके पार्टी बनाते हैं, और आज उनके आज पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ इनका गठबंधन होता है। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी हरियाणा जन कांग्रेस पार्टी की या किसी की मजबूत गठबंधन न हो, ये सत्ता में आए और हरियाणा की जनता अभी जिस तरीके से ठीक है। आलोक जी ने जिस तरीके से कहा, तमाम पार्टियों के नाम आपको गिनवा दिए, राज्यों की स्थितियां बता दी, तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी अब सिर्फ पार्टियों को अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रही है, कि अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? जब आपको लग रहा था कि आपका जो जनाधार है वो बचेगा या नहीं बचेगा, तब आप हजका के साथ थे, अब उसके साथ नहीं है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि बीच में मध्यावधि चुनाव हुआ था, जिसमें बिश्नोई जी चुनाव लड़े थे। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 2 सीटें हमने वो दी जो हारने वाली थी, उसमें से 1 सीट बिश्नोई जी का भी है, जिसमें वो सिटिंग MP थे। अब ये तथ्य कांग्रेस पता नहीं कहां से निकाल के लाती है। सिटिंग MP थे, मेरी बात 4400 वोटों से जीते थे, 4400 वोटों से ओपनली आकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मुझे हराने की कोशिश की है। आप शायद इस तथ्यों को भूल गए। देखिए, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। सुनिए, पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो, भारतीय जनता पार्टी और जन कांग्रेस पार्टी, और यही कैंडिडेट थे इनेलो के जिन्होंने इनको हराया था। भाई, हमने उनको जिताया था, हराया थोड़ा था। मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने आया था ओपनली, हराया था। नहीं, जब वो इस बात का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस को हराया था अशोक जी, अगर कांग्रेस की ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। अशोक जी, अगर वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप सिर्फ उन्हीं चिन्हित सीटों को उन्हें दे रहे हैं जहां पर उनके हारने के सबसे ज्यादा चांसेस थे, तो सवाल बनता है कि आखिर आप गठबंधन को बचाने की कोशिश कहां कर रहे थे?
ये देखिए, ये तो कांग्रेस अपने तर्क अपने हिसाब अपने तर्क से निकालती है। देख लीजिए वो दो सीटें यहाँ सुनिए, धोखेबाज हमें कितनी बार भी चुनाव हुआ है, मैक्सिमम टाइम इनेलो ने जीती है, जनता पार्टी के साथ पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कितना चेंज, जिसका धोखे का इतिहास कांग्रेस का रहा है 1947 से लेकर आज तक, जब देश में प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना चाहिए तो इन लोगों ने धोखे के आधार में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक, जो धोखे के बुनियाद पर कांग्रेस की है, हिस्ट्री की बात आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के धोखे का तत्काल, बिल्कुल हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके के जो हालात हैं वो दोनों ही राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर हरियाणा की, दोनों में बीजेपी का साथ जो है उनकी पार्टियों के साथ कुछ तकरारपूर्ण नजर आ रहा है। और एक तरफ हरियाणा में तो बिश्नोई ने यानी कि हजका ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, वहीं महाराष्ट्र में किस तरीके की परिस्थितियां हैं इस रिपोर्ट पर जरा नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को क्यों धमकाया? महाराष्ट्र में शिवसेना ने क्यों दिखाई आंख? आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चलने के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी का कमल ज्यादा खिला, इसी को बीजेपी विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है और महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। लेकिन वही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की चाहत है कि इस बार शिवसेना पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इसी को लेकर राजनीति के गलियारे में इन दोनों पार्टियों को लेकर चर्चा हो रही है। शिवसेना के कई नेताओं ने पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से बात कर बीजेपी के साथ गठबंधन पर फिर से विचार करने तक कह दिया है। कुछ नेताओं ने ठाकरे को बीजेपी को लेकर सतर्क रहने तक की सलाह दी है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी ने जो हजका के साथ किया, महाराष्ट्र में वही शिवसेना के साथ कर सकती है। आइए समझते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में कितनी सीटें हैं और बीजेपी का किस किस पार्टी से गठबंधन है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कुल सीटों से दो तिहाई सीटें चाहिए होती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वाभिमानी पक्ष और राष्ट्रीय समाज पक्ष है। दोनों पार्टियों में चल रही अटकलों पर विराम तो आने वाले दिनों में खत्म होगा जब सीटों का बंटवारा पूरा होगा। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में कौन ज्यादा सीट जीत पाता है और महाराष्ट्र के सीएम की गद्दी पर कौन सी पार्टी अपना सीएम बैठाती है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो हरियाणा के बाद दूसरी तलवार लटक रही है महाराष्ट्र पर, वहां पर शिवसेना और साथ ही साथ बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं खिंचमतान नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ वो तमाम पार्टियां जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ एनडीए के साथ मिलकर लड़ी थी, उनके बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही है। अशोक जी, एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर स्थितियां क्या है? क्या हरियाणा की तरह अब दूसरा नंबर महाराष्ट्र का लगने वाला है? देखिए, कहीं भी है अगर वहां पे भाजपा और शिवसेना की अगर आप बात करते हैं तो वहां ये प्रॉब्लम एनसीपी और कांग्रेस का भी है, जबकि दोनों सत्ता में हैं, आज दोनों में लड़ाई है। अच्छा देखिए, गठबंधन हमारा है और ये अंतिम समय तक चलता है, चाहे जो भी पार्टी हो उसमें, भाजपा हो या शिवसेना हो, उनका ये लगता है कि भाई मैं कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ू या कोई सोचता है कि मैं थोड़ा दो चार सीटों पर ज्यादा लड़ू, ये तो चलता है। अंत परिणाम का निकलता है, सिर्फ सीट का मामला नहीं है, मामला है मुख्यमंत्री का कि आखिर मुख्यमंत्री किसका बनेगा, शायद इसीलिए ये सीट का मामला इतना उभर कर सामने आता है। जिस गठबंधन की 18 साल से या 20 साल का दावा किया जाता है, क्या वो गठबंधन सिर्फ एक मुख्यमंत्री के लिए इस हालात पर पहुंच जाएगा कि तकरार की स्थिति बन जाए? सर आप देखिए, 10 साल से वहां रूलिंग पार्टी में है कांग्रेस लगातार, और आज स्थिति है कि दोनों पार्टियां लड़ रही हैं एनसीपी और कांग्रेस। अपना बताइए। नहीं नहीं, मैं अपनी बताऊंगा, आप पहले आप डिबेट को डिबेट नहीं कीजिए। दर्शक समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप अपने मुद्दे पर आइए ना। दर्शक समझ रहे, इसलिए आप जहां बैठे हैं वहीं बैठना चाहिए था, इसलिए दर्शक समझ रहे हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात को। आप अगर बात राजनीतिक विश्लेषण की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। शिवसेना और भाजपा गठबंधन टूटा नहीं है, सीटों की चर्चा चल रही है, बिल्कुल। अभी इसका मूर्त रूप भी नहीं दिया गया और कोई समय भी नहीं निकला, अभी तो डेट निश्चित नहीं हुए हैं, अभी तो डेट निश्चित हो। दरअसल जहां पर जो तमाम पार्टियां आपके साथ लोकसभा चुनाव लड़ी हैं, अब वो तमाम पार्टियां सीटें चाहती हैं विधानसभा चुनाव के अंदर। अब सवाल ये वही उठता है जो हरियाणा में उठा है कि बीजेपी वही कुछ जो हजका के साथ कर चुकी है, या अब जो हजका के साथ हुआ है, या जिसका आरोप लगातार आलोक शर्मा साहब ने भी आप पर लगाया, वही चीजें क्या विधानसभा चुनाव के अंदर उन तमाम पार्टियों के साथ भी होने वाली है? मैं आपके बात के बाद रोकता हूं।
हरियाणा जन कांग्रेस पार्टी को हमने कुछ नहीं किया, हरियाणा जन कांग्रेस पार्टी हम हमें यहाँ से वो वक्त मांगते रहे विष्णु साहब, आप लोग मिलने का टाइम नहीं देते हैं। देखिए प्रक्रिया है, जानने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। जब एक दो आदमी का मित्रता टूटता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात को बोलते हैं, लेकिन ये पार्टी में रहते हुए भी बोल सकते थे। आज जब उन्होंने अलग बीजेपी ने भी कहा कि आज जब उन्होंने अलग बनाया और जब उनका दूसरे से दोस्ती हो गई तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहता था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको समय नहीं दिया। ये दो दिन पहले भी बोल सकते थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समय नहीं दे रहे। ठीक है अशोक जी, अगर इन आप मेरी बात देख लिया, अगर इनके मन में साफ है, मन साफ है, बिल्कुल प्रवृत्ति बहुत अच्छा है राजनीति करने का, ये दो दिन पहले भी बोल सकते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे समय नहीं दे रहे। गठबंधन में दरारें हो सकती हैं, गठबंधन के बारे में अगर 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 विष्णु की इस बात को नकार दिया जाए तो क्या अगर बीजेपी ये कहती है और एक अगर बीजेपी ये कहती है कांग्रेस की बी टीम है इसीलिए हम इतना स्पेस नहीं दे रहे हैं तो हम उसे क्या माने? राजनीति से परिचित है नहीं, अगर बीजेपी ये कहती है कि विष्णोई साहब हजका जो है वो बी टीम बन चुकी थी कांग्रेस की, उसे क्या माना जाए? अगर विष्णोई साहब के तथ्य को नहीं माना जाता तो आखिर बीजेपी के पास क्या पुख्ता सबूत है कि बी टीम कांग्रेस की है? इसलिए तो साइडलाइन हो जा रहा है। आप मुझे बताइए, हरियाणा जन कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन तोड़ के चली, कांग्रेस के साथ गठबंधन थोड़ी हुआ, चली जाने के बाद आज वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी है, गठबंधन तोड़ के जाने वाला व्यक्ति धोखा देता है या जिसके गठबंधन तोड़ा जिसको उन्होंने छोड़ा वो धोखा देता है? धोखे का पहले परिभाषा उनको क्या? अगर यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बी टीम थी वो कांग्रेस की, तो अब कांग्रेस के लिए कोई विकल्प है? नहीं, कांग्रेस के पास पहले भी कोई विकल्प नहीं था और आज भी कोई विकल्प नहीं है। हम पहले भी अकेले लड़े थे, आज भी अकेले लड़ेंगे। जहां तक विनोद शर्मा जी की बात इन्होंने की है, ठीक है वो कांग्रेस से गए थे लेकिन उन्होंने तो तमाम कोशिशें की भाजपा में जाने की और भाजपा का एक खेमा था जिसने पूरी ताकत लगाई उनको भाजपा का करनाल से टिकट देने की। अब तीन चार चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है हरियाणा के संदर्भ में कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं पूरे देश के अंदर, 21 बाई इलेक्शन मई के बाद हुए हैं, 21 में से 8 कांग्रेस जीती है, 7 भाजपा जीती है, 1 अकाली और 5 कांग्रेस के सहयोगी दल। कहीं ना कहीं कुलदीप जी को यह समझ आने लगा था कि भाजपा का जनाधार खिसक रहा है, तो एक तरफ कुलदीप जी भी छोड़ना चाहते थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से सत्ता। अब आप सुन लीजिए ना, सुन लेते हैं अशोक जी, सुन लीजिए ना, सुनने की आदत डाली, सुन लेते हैं, चलिए चलिए। हाँ, ये चैनल है कोई, ये जनसभा नहीं है, सुनने की आदत डाली है, कोई बात नहीं, आप सुनने की आदत डालिए। आपका पूरा जनाधार पूरा गुब्बारा फूट चुका है, महंगाई गुब्बारा लोगों ने देख लिया है, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए। हमारा हमारा अगले अभी चुनाव जितने हैं सब में संघर्ष नहीं करते, आपने पूरा देख लिया है। आप भारतीय जनता पार्टी की आदत ही हो गई है, प्रदेश जो कांग्रेस का है उस भाई देखिए, अगर इस तरह से डिबेट चला नहीं तो सुन लेते हैं, सुन लीजिए आप, इन्हें बुलवा लीजिए। ठीक है आलोक जी बोलिए, सुनने की आदत ही नहीं रही है भाजपा को। यही मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी नेता को किसी भी दल को सुनना नहीं चाहती है, वो कुलदीप बिश्नोई को भी नहीं सुनना चाहती है। अहंकार में पूरी तरह से इनका गुब्बारा फूला चला जा रहा है। कल 1 बजे का टाइम कुलदीप बिश्नोई जी का और अमित शाह जी का तय था। कुलदीप बिश्नोई जी 1:12 पर इनके यहां पहुंचे हैं और अमित शाह जी ने मना कर दिया है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास पुख्ता खबर है। ये अहंकार का पूरी जो पराकाष्ठा है वो है। दोनों ही दलों को इस समझ आ गई थी कि साथ चलने में नुकसान है। अब किसने किसको धोखा दिया ये तो इनके साथ ही थे ये बता सकते हैं। दूसरी चीज महाराष्ट्र की आपने अभी पूरा जिक्र शुरू किया। लोकसभा चुनाव में भी सामना में एक लेख छपा था, उस लेख में साफ कहा गया था कि शिवसेना ने पूरी तरह से कह दिया है अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे अनुरूप नहीं चलती है और मनसे के साथ गठबंधन करना चाहती है तो हम पूरी तरह से इस गठबंधन से बाहर रहेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी दो दिन पहले भी आपने देखा होगा किस तरह का बयान उनका आया है कि जो चीजें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, आप केवल हवा के बलबूते पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये बयान आया है शिवसेना का कब? जब बिहार में इनकी करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अभी आज उनके सांसदों ने उद्धव ठाकरे जी को ऑफिशियली कहा है कि जो हरियाणा में हजका का हुआ है वो शिवसेना का हमारा भी हो सकता है, सतर्क रहिए। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों को साइडलाइन करने के पर आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर भी क्या वही मनोदशा चलने लगी है जो हजका को देखकर? क्या घबराहट वो नजर आ रही है इसलिए इस तरह की बयानबाजी आ रही है? पहले बात तो आलोक जी के बात का मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं। करारी हार किसे बोलते हैं पहले इनको समझ लेना चाहिए। अभी बिहार में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी
जनता दल यू जो रूलिंग पार्टी है वहां की और जो सबसे विपक्ष का नेता पार्टी है आरजेडी, तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और ये 6 सीटों पे जीतते हैं, जबकि उसमें चुनावी मशीनरी जो सरकारी मशीनरी है सब लगता है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती है और 4 सीटों पर जीतती है। और ये एक लड़ते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं जिसमें विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए आज भी ये कभी कोर्ट की बात करते हैं तो कभी बीजेपी और बीजेपी साथ थी। नहीं नहीं मैं आपकी तरफ उठाई, नहीं नहीं मैं आपकी दोबारा हरियाणा की बात ना, बिल्कुल आप भी बर्दाश्त करिए ना आलोक जी, आप भी बर्दाश्त करिए, अभी तो आप कह रहे हैं मैं बीच में बोलूंगा तो चला जाऊंगा, ठीक है, अभी तो आपने कहा था कि आप बीच में बोलेंगे, ठीक है ठीक है, वक्त मेरे पास, मैं तो नहीं बोला, सुनूंगा, नहीं नहीं मैं तो नहीं बोला, आप से रिएक्ट करेंगे तो मैं जरूर, नहीं नहीं मैं आपकी बात कहा, बिल्कुल अशोक जी कम शब्दों, बात है आपने कही है बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं, ठीक है, आपने बिहार कम शब्दों में खत्म कीजिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया कि आप सारी पार्टियों को लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ी जीती और जबकि सीट का मार्जिन उतना रहा जितना आपकी 4 सीटों का नहीं रहा है, भाई भाई उत्तर दीजिए, अरे लोकसभा में तो हम 5% से जीते हैं, पूरी तरह से मंच जब्त हुई है, पूरी तरह से जीत हो गई है, चलिए ठीक है, आपको बर्दाश्त करने की आदत नहीं हो रही है, चलिए वक्त मेरे पास यहां पर खत्म हो गया, अशोक जी स्थान पर कम शब्दों में खत्म कीजिए, कि जबकि कांग्रेस के निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इस स्तर पर कांग्रेस कभी जाएगी, तब भी आप लोग की सद्बुद्धि काम नहीं कर रहा है, नुकसान नहीं, नुकसान नहीं, अशोक साहब सब खत्म कीजिए, सिर्फ क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है या होगा, अब आपने गठबंधन देखिए मैं क्या बताऊं, अति उत्साह है, कम शब्दों में, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल कम शब्दों में खत्म कीजिए, नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास लोगों पे है और जो लोगों ने विश्वास किया आज भी कायम है, और अभी अभी तो 4 राज्यों का चुनाव होना है और जम्मू कश्मीर का होना है, उनमें इनकी सरकारें हैं, हरियाणा में उसमें उनकी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में उसमें इनकी सरकारें हैं, और अभी जो झारखंड में उसमें इनकी सरकारें हैं, ये 4 राज्य तय कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव ये तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी लोकसभा में जिस लहर की बात की जाती थी, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जिस लहर की वजह से बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब रही वो विधानसभा चुनाव में नजर आती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं सुदर्शन न्यूज का अब सवाल का वक्त है, आज का हमारा सवाल है, बीजेपी से गठबंधन तोड़ना सही है? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं, जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं, SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो आप अपने जवाब हमें कल रात 9 बजे के शो से पहले भेज सकते हैं, कल रात 9 बजे के शो में तमाम प्रतिक्रियाएं दिखाई जाएंगी। वहीं कल सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल आपसे पूछा था वो था कि क्या राजनीति में से दागियों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, तो उसमें ज्यादातर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं उसमें अधिकतर लोगों का मानना है कि हां, और साथ ही साथ 36% लोगों का मानना है कि नहीं, पूरी तरीके से यहां पर दागियों को नहीं हटाया जा सकता है। इसी के साथ हमारे इस खास विशेष में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।